नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज में। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पे फास्ट फूड का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और आप फास्ट फूड में बात करें तो सबसे पहले बच्चों को याद आता है पिज्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बिजनेस के बारे में नहीं, मैं पिज़्ज़ा किचन इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैंने सारे यूट्यूब चैनल पर देख लिया कि पिज़्ज़ा किचन इक्विपमेंट के बारे में इतनी ट्रेनिंग वीडियोज़ नहीं है जो आपको रिक्वायर है। कि पिज़्ज़ा अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पिज़्ज़ा के किचन इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ना कि मैं पिज़्ज़ा बिज़नेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिज़्ज़ा बिज़नेस के बारे में काफ़ी लोगों ने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको पिज़्ज़ा किचन इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि किसी ने नहीं आज तक आपको बताए होंगे। मैंने कोई भी चैनल पर ऐसा नहीं देखा कि जिस पर पिज़्ज़ा किचन इक्विपमेंट के बारे में इतना डेप्थ में बताया। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं पिज़्ज़ा ओवन के बारे में। अगर पिज़्ज़ा बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पिज़्ज़ा कार्ट वगैरह या पिज़्ज़ा से रिलेटेड आप कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहला इक्विपमेंट जो होता है वो ओवन होता है। तो ओवन में बात करें तो हमारे पास ओवन कितने टाइप के आते हैं, आप मेनली बात करेंगे कितने टाइप के आते हैं। तो पहला, सबसे पहला जो चलता है वो आपका डेक ओवन चलता है। उसके बाद जो सेकेंडरी आपका आता है वो कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन आता है, जो आपने देखा होगा डोमिनोज वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और थर्ड की हम बात करें तो वो जो इटली स्टाइल जो पिज़्ज़ा ओवन बनता है, मतलब जो पिज़्ज़ा बनता है वो स्टोन पे बनता है, तो उसके लिए आपका वुड फायर्ड पिज़्ज़ा ओवन आता है। तो मेनली ये तीन टाइप के चलते हैं। और उसमें हम अगर बात करें डेप्थ में बात करें तो पिज़्ज़ा ओवन में आप देखेंगे कि काफ़ी सारी वैरायटी आती है। अगर आप लेके चले स्टार्टिंग में तो 12,000 रुपीज़ से एक पिज़्ज़ा ओवन स्टार्ट होता है, और रेंज की अगर बात करें तो 6 लाख तक ओवन की रेंज जाती है, जो इम्पिंजर वगैरह ओवन जो होते हैं, जो मेनली डोमिनोज या बड़े स्टैंडर्ड्स के जो यूज़ करते हैं, जिनको कम से कम 500 से 600 ऑर्डर या 200-300 ऑर्डर डेली के पिज़्ज़ा के लगते हैं, तो वो लोग बड़े ओवन के ऊपर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी को फूड सर्व करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ओवन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें उसमें जो सेकेंडरी यूज़ क्या होता है, सेकेंडरी आपका जो बेस बनता है पिज़्ज़ा का वो आप देखेंगे ज़्यादातर कई लोग प्री कुकड लेते हैं, जो बने बनाए आते हैं, हार्वेस्ट का हो गया या और अदर्स कंपनी होती है जो इनको प्रोवाइड करती है, या कई लोग जो होते हैं अपने जो जैसे आप डोमिनोज वगैरह हो गए या जो खुद बनाने वाले होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, या तो स्पायरल मिक्सर लेते हैं या अगर उनका बेकरी का भी साथ में काम है तो प्लेनेटरी मिक्सर की तरफ जाते हैं। अगर आप खाली पिज़्ज़ा के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप स्पायरल मिक्सर लें, और अगर आप मतलब मल्टी काम करना चाहते हैं, बेकरी वगैरह भी आपके साथ में है, तो आप प्लेनेटरी मिक्सर पर स्विच करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर यूज़ होने वाली थर्ड चीज़ है। थर्ड जो यूज़ होती है वो पिज़्ज़ा मेकलाइन होती है। कई लोग, आप अगर बड़े फ्रेंचाइजी की तरफ जाते हैं तो उनके पास पिज़्ज़ा मेकलाइन बड़ी टाइप की होती है, उनकी काफ़ी स्टैंडर्डाइज होते हैं, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, तो उस हिसाब से बनी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंदर वो कैसी टाइप की होती है। और हम बात करें इंडियन स्टाइल में, तो इंडियन स्टाइल में तो कई लोग टेबल के ऊपर अपने कंटेनर डाले और काम स्टार्ट किया अपना, तो या एक फिर अपनी अपनी जो खुद की बनती है इंडियन स्टाइल में पिज़्ज़ा मेकलाइन पूरी बनती है, वो भी आपकी रेफ्रिजरेटेड होती है, मगर उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी जो फैसिलिटीज़ होती है कम होती है जो रेगुलर आपकी जो बढ़िया स्टाइल की होती है पिज़्ज़ा मेकलाइन, तो वो भी आप देखेंगे वीडियो के अंदर कि कैसे किस टाइप की दिखती है। और हम बात करते हैं पिज़्ज़ा मेकलाइन में यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स की, तो मेनली तो पिज़्ज़ा पिल यूज़ होता है आपका पिज़्ज़ा उठाने के लिए। तो फोर्थ थिंग की बात करें तो हम चौथी चीज़ की बात करें तो उसमें जो यूज़ होता है, जैसे आप जानते हैं कि पिज़्ज़ा का जो डो होता है उसको हमें प्रूफ करना होता है, मतलब कि उसके अंदर खमीर उठाना होता है, तो उसके लिए या तो मशीन आती है, ये कई लोग क्या करते हैं एक ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर अपना डो बना के उसके बाद उसके अंदर डाल के उसको प्रूफ करते हैं, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है जिसके अंदर डो अच्छी तरीके से प्रूफ होता है। तो या तो आप मशीन पे जाना चाहें तो मशीन पे, अगर आपका बड़ा काम है तो आप, मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप पिज़्ज़ा प्रूफिंग मशीन लें, क्योंकि उसमें क्या होता है उसकी क्रिस्प जो बेस की जो आपकी जो टेस्ट होता है या जो उसके अंदर खमीर होती है वो ज़्यादा बेटर उठती है। तो आप चाहें तो पिज़्ज़ा प्रूविंग मशीन ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। और अगर बेकरी का है तो बेकरी में तो फिर आप ज़्यादा मस्ट है कि आप लें तो ज़्यादा बेटर ही होगा। फिफ्थ की बात करें तो फिर पिज़्ज़ा के यूटेंसिल्स आते हैं, वो आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे यूटेंसिल्स हैं, इतने सारे आज की डेट में आ गया, पिज़्ज़ा पिल हो गया, वो पिज़्ज़ा उठाने के लिए हो गया, आपका पिज़्ज़ा को आपने देखा होगा वो प्रूफ करने के लिए भी अलग टाइप के आ गए हैं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, वो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। मेनली जो पिज़्ज़ा में यूज़ होने वाले आपके इक्विपमेंट्स हैं जो थोड़े से महंगे भी आते हैं और जो यूज़ होते हैं किचन इक्विपमेंट मेन, वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप पिज़्ज़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है उन लोगों के साथ जो आपका मतलब पिज़्ज़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये मिल सके। और बाकी आप यहाँ तक आए हो, पहुँचे हो, तो आप सब्सक्राइब करके जाना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग आकृति इंडस्ट्रीज। गुड बाय।